आप सबको सेवा 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 जहां। मेरा नाम इन लोगों ने रखा है संध्या दुर्वे जी वकील। पहले तो जिसने चार्ट बनाया वो पहले डांट खाएगा क्योंकि मैं तो वकील हूँ नहीं, वकील से मेरे कट्टी टक्कर रहती है, तो भैया तुमने मुझे वकील क्यों बनाया। हाँ मैं लीगल क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं हूँ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी अभियोजन अधिकारी है ना। मैं आप लोगों के बीच में इंदौर से आई हूँ और कुछ अपने विचार साझा करूँगी। हाँ कानून तो अभी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी कानून में आप लोगों को जब जरूरत होगी मैं सदैव यानी अपना आजीवन आप लोगों के लिए हूँ। मेरा नंबर दूंगी, जो भी समस्या रहेगी आप बताएंगे, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में एज अ मोटिव सुधीर सर को मिस कर रही हूँ। हाँ देखो मुझसे क्या बनता है, ये मैं अपने साझा करूँगी अनुभव विचार जो भी है, जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो बड़ी हूँ। हाँ थोड़ा सा कार्य करने का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, 12-15 साल का हो चुका है। तो मैं जब आप लोगों की एज की थी तो मैं बहुत पढ़ती थी, मैं बिस्तरों से गिर जाती थी, मुझे इतनी दहशत होती थी कि मैं आगे कमाऊंगी, मुझे कास्टिज्म का शिकार होना पड़ेगा, मैं एसटी हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन बड़े पदों पर होगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को ऐसे बैठे हुए अभी मैं सोच नहीं सक रही हूँ कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे या इस यूनियन में क्या कर रहे हैं, या यूनियन में आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, किसी की भावनाओं को आहत होगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि आपकी मैं बेटी हूँ, मात्र शक्ति हूँ, तो ये बोलने का मुझे हक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की भलाई ही चाहती हूँ। शुरू करें सब चीज़ें। अब देखो मैं जब सरकार की गवर्नमेंट के केस कर रही होती हूँ, पैरवी या फिर बलात्कार जैसे केस कर रही होती हूँ, जिसमें छोटी बच्ची का रेप कर रही हो, मैं गवाही कर रही होती हूँ, तो हमारी मनोस्थिति एक उग्र प्रवृत्ति की होती है। हम लोग यहाँ जितने सीधे साधे दिखते हैं ऐसे है नहीं, वहाँ बवंडर होता है बवंडर, हर दिन रानी दुर्गावती होती हूँ मैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। हाँ ये बात सही है कि आपके अंदर जो चीज़ है ना, ये जो राक्षसपन है ना, जो रावण का, वो हमेशा जागृत रखें, क्योंकि दुनिया आपको मसल रही है, आपकी जेनेटिकली जो आप लोग सीधे साधे हो, कितना भोलापन है, आप लोगों को कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी सब चीज़ कर देगा, और ये बाजार है एक दुनिया जहाँ पर लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर रहे हैं। हमको हर अंदर अपने अंदर ना एक कटु सत्य है कि हमारे अंदर एक कायपन होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में सच में जीहूजूरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो मेरी बात आप कितना सुनते हो, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी दुनिया थोड़ी सी शांति प्रिय नहीं है। तो हमारे जब भी ऐसे ट्रेनिंग होते हैं तो उसमें हम लोगों को कैसे तैयार किया जाता है, वैसे ही मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोगों की नसें भीग जाती हैं, हम लोगों के दिमाग खींचे हुए रहते हैं, घर में उसका असर पड़ता है, हम लोग खिच करते हैं पूरे टाइम, हम लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अगर हम केसों की डेली अपडेट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कैसे केसेस हैं, तो एक ऐसा वकील जब वो माना कि मैं 84 में पैदा हुई हूँ और 84 से वकालत कर रहा होता है, वो मुझे पछाड़ सकता है मुझे, इसलिए हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान और बहुत सारी चीज़ों को और आपको केसों का बहुत खुला हुआ ओपन रखना पड़ता है। तो ऐसे जो हमारी ट्रेनिंग रहती है ना, उसमें हमको लाफ्टर मतलब किस तरह आप हंसोगे, हंसने के तरीके बताए जाते हैं, मेडिटेशन बताए जाते हैं। आप लोगों ने खाना खा लिया, अभी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया है, मेरे को 19 मिनट दिए हैं, मैं चाह रही हूँ मेरा 19 मिनट आप लोगों की ज़िंदगी में इतना अच्छा सीख लेके जाओ कि आप उस चीज़ को याद रखो कि क्या है। तो चलो इसके लिए मैं ना मेरा तो परिचय है श्रीमती संध्या थुर्वे, और मैं हूँ अभियोजन अधिकारी, मतलब अभियोजन मतलब जो सरकार की तरफ से एक पीड़ित का पक्ष रखने वाले होते हैं वो होते हैं, जो वकील जो पीड़ित हो जो आरोपी होता है उसके तरफ वकील होता है, और पीड़ित की तरफ मैं रहती हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड कर रही होती हूँ, है ना। तो उसको सरकारी वकील ऐसा तो नहीं बोल सकते, उसका अब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका अभियोजन अधिकारी हमारी एक ऐसी पोस्ट का नाम है, है ना। चलिए मैं चाह रही हूँ एक छोटा सा मेडिटेशन आप लोगों को भी करवाऊँ, क्योंकि जब हम लोग भी सीखे हैं, जब मध्य प्रदेश की प्रोसिक्यूशन में आज की डेट में 22 फांसी की सजा के साथ देश का नंबर 1 राज्य है, जिसमें प्रोसिक्यूटरों की मेहनत ने देश के छोटे बच्चों से रेप करने वाले और मर्डर करने वाले 22 लोगों को आज फांसी की सजा दिलवाई है, तो हमारे साथ बड़े बड़े मतलब ब्रिटेन के या अमेरिका के प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, उसके लिए तो हम कुछ मेडिटेशन आपको करवाते हैं, बस थोड़ा सा मेडिटेशन फिर मेरा थोड़ा सा लेक्चर। सब लोगों ने पानी वानी पी लिया, एक बार मैं बार बार ध्यान सामने कर लीजिए। देखो आपका जो दिमाग है ना,
आपका दिमाग जैसा चाहेगा ना वैसा आपका आपकी बॉडी काम करती है। एक्चुअली यहाँ जो बैठे हो ना, अब यहाँ मन है क्या बेमन है मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग भी मंजाफिन भी एक छोटा सा मेडिसिन है, आपको बहुत वाकई बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। आप अपना एक एक लोगों से इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, फुल जोड़ लीजिए। दिमाग में करना, देखो एक दिमाग कैसा बोल रहा है और बॉडी कैसे काम कर रही है। बहुत पुराना ट्रिक्स है लेकिन आपको ऐसा लगता है कर रही हूं। खाली दो मिनट का काम है, आँख बंद करिएगा और सामने हाथ करिए करिए। आप आँख बंद कर दीजिए, इसका मनुवादियों से कोई लेने देना नहीं है। हाँ, आप लोगों के लिए मेडिटेशन है, जो खड़े हैं वो भी काम कर रहा है आपका। हाँ, अभी हाथ एकदम जोड़ दीजिए, हाथ को एकदम आपस में चिपकाइए। देखिए मैं आपका एक मेडिटेशन करने जा रही हूँ। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में अपना अपने के और अपने हाथों को चिपकाइए रखिए। हम यहाँ एकता का परिचय देने आए हैं और सच में हम एक हैं। अब अपने दिमाग को ये ऑर्डर दीजिए, आदेश दीजिए कि मेरे हाथ दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। महसूस करिए कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए आप अपने आप को। मेरे हाथ बहुत दूर जा रहे हैं। अगर आप दिमाग से कनेक्ट नहीं हैं तो आपके हाथ हमेशा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन दिमाग देखो बॉडी को कैसा बोल रहा है, मेरे हाथ दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। खुल रहे हैं हाथ अपने आप, छोड़ दीजिए बॉडी को, हल्का छोड़ दीजिए। जोड़ के रखा है, अगर आपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया है तो दूर जा रहे हैं, जाने दीजिए। मैंने बोला दूर जा रहे हैं, आपके हाथ दूर जा रहे हैं। दिमाग का यूज करिए, आपके हाथ बस दूर जा रहे हैं, जाने दीजिए, दूर जाने दीजिए। अब थोड़ा आँख खोल के देखिए, आपके हाथ दूर गए क्या, किस किस के दूर जा रहे हैं, गए ना। अगर आपने उसमें बल का प्रयोग किया नहीं, अब ये हाथ सामने भी आएंगे। चलिए दूर उतने सामने रखे, दूर वही हाथ सामने आएंगे। देखिए और दिमाग पर कॉन्सेंट्रेट, लेकिन जब तक आप लक्ष्य, अभी मेरा कहने का मतलब ये लक्ष्य नहीं है, मतलब तुम्हारा भटक रहे हो अभी तक। देखिए आँख बंद करिए, आपके समा देखिए, हम उस कैडर के लोग हैं जो बिल्कुल शोषित हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक लोगों ने हमको शोषित किया है। अपनी आत्मा से आप बोलिए, अपने दिमाग को आदेश दीजिए कि हमारे हाथ पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं, आने दीजिए, बिल्कुल पास आ रहे हैं। हे बड़ा देव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे सोचने समझने की शक्ति दो, समाज में मुझे एकता दो, मेरे हाथ सामने आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं, आने दीजिए। हाथ मेरे जुड़ चुके हैं कई लोगों के, मेरे हाथ पास आ रहे हैं। मेरी बॉडी में केवल आत्मा है और मेरा दिमाग, जितना भी हाथ आने में बाकी के टाइम लगेंगे कई लोगों के, आप बॉडी से मेरे बीच में यहाँ पर हैं लेकिन दिमाग 17 जगह दूर ले जाएंगे तो वो काम का नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। किसी का हाथ जुड़ा है आपने किया ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा जो हमको गाइड कर रही है, आज जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, अगर वाकई आत्मा से आप यहाँ पर हैं, आत्मा इन द सेंस मेरा मैं, मतलब मैं संतोष, मैं राजकुमार, मैं जो भी, आप यहाँ पर हो ना तो आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी, अदरवाइज आप जमा ही लेते रहेंगे, थकान महसूस करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं, है ना। अगर ब्लैक बोर्ड रहता तो बहुत अच्छा रहता। हमारी यूनियन का नाम है गोंडियन स्टूडेंट यूनियन इंडिया। इसके पहला इंडिया को छोड़ दिया जाए तो यूनियन तक एक और भी बना था पहले ना, है ना। तो देखो गोंडवाना जो है ना, एक भूभाग और एक जाति विशेष का एक वर्ग है, मानते हैं इस चीज़ को। अगर स्टूडेंट बोले तो हिंदी में इसका नाम छात्र होगा, अगर यूनियन बोले तो एक संघ होगा, इंडिया एक देश है। तो हम ऐसा वर्ग विशेष का, एक ऐसे जो छात्रों का वर्ग है, उसका एक संघ बनाना चाहते हैं और उसको भारत में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा कुछ उद्देश्य है आप लोगों का, है कि नहीं है बच्चों, जोर से बोलो यार। मेरे आँख में देखो कितनी, मतलब कॉन्फिडेंस टपकता है, हर लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस टपकना चाहिए। मजा ले, कोई जनरल वाला मुझे थर्थ करके देखा, कोई थर्थ करा तो मैंने उसके सेटअप कर देती, है ना। तो ये कब कॉन्फिडेंस है, देखो अब हमने बोल दिया कि गोंड एक ऐसा क्षेत्र विशेष और जाति विशेष का एक संगठन जो छात्रों का है, उसका एक संघ बना के हम देश में स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम इतने लोग आए हुए हैं, ऐसा है ना आपका, ऐसे उद्देश्य है ना कुछ, है कि नहीं है। तो देखो मैं बता रही हूँ कि ये जो अपन ने चलो गोंडवाना में लाए, इसमें भील भिलाला कौन है क्या, भील भिलाला कोई है, भील भिलाला का मतलब क्या, हम गोंडों का एक ऐसा यूनियन बनाना चाह रहे हैं जो छात्रों का है, जो इंडिया में स्थापित होना चाह रही है, ऐसी कुछ ना। कोई भील भिलाला दिख रहा है यहाँ पर क्या, तुम ही लोग जवाब दो ना,
में से एकदम क्लियरली बात करो ना, मैं कोई व्याख्यान थोड़ी दे रही हूँ, मैं तुम लोगों के व्याख्यान भी नहीं दूंगी, मैं नेता थोड़ी हूँ। कोई दूसरे जाति का नहीं है, कोई एस टी कैटेगरी का नहीं है, मतलब गौण या प्रधान होगा हमारे बीच में गोंडवाना के नाम पे, ऐसा लग रहा है आपको, ये सच्चाई दिख रही है ना? ठीक है, यानी गोंडवाना एक जाति है, छात्र पढ़ाई करते हैं, यूनियन का कोई उद्देश्य होता है, अपना भी कोई उद्देश्य होगा, और देश अपना एक देश है, राज्य है, गांव है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं अपन, है ना। अब चलो जाति पे जाते हैं, जाति में हम अपनी स्थिति देखते हैं। स्थिति में तुम किस श्रेणी में आ रहे हो, गरीब हो, अति गरीब हो, या थोड़े से उच्च हो? अभी हमको इसी लेवल पे जाना है ना। जब आप पेपर के पहला पन्ना पढ़ते हो तो अग्रवाल लड़का बनिया बामन ऐसा लड़का आईआईटी आईआईएम में 99% आ रहा है, उसको उसको उच्च बोलते हैं। हम करके आ रहे हैं, अभी उसमें आ रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई तुम्हारा बाप गरीब होगा, तुम्हारे माँ बाप गरीब होंगे, तुम्हारा परिवार गरीब होगा, पर तुमको ऐसा तो नहीं कि तुमको वही स्कूल नहीं मिलता होगा, वही सब चीज़ें। आज के डेट में मेरे को नहीं लगता इतना सारी गवर्नमेंट बहुत चीज़ जारी कर ही रही है, है ना। तो ठीक है, अब हमारी स्थिति गरीब या अति गरीब में आ रही है, गौड़ जाति की जो स्थिति है वो गरीब या अति गरीब में आ रही है, मतलब हम विकास करने को हो रहे हैं लेकिन विकसित नहीं है। अभी हमने पिछले साल से लेकर अभी तक के कोई खास वो नहीं किया हुआ है, हम अभी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी में और मिलेंगे। जैसे ये छत्तीसगढ़ का था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 16-17 जिले हैं ना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, 17 जिले में मतलब पूरा छोड़ देना था उन लोगों के, पूरा घर जाना था पूरा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, जरूरी नहीं कि वो है छात्र वर्ग, युवा वर्ग को तो लाना था, इतना इतना उड़ीसा का दिख रहा होता तो मेरे को छत्तीसगढ़ के भी नहीं दिख रहे हैं। कमियाँ दिख रही तो बोलो, यस मैडम बोलो, है ना। मैं सुनने आई हूँ, मैं बताने आई हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी लेक्चर चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। तो हम अभी क्या है, गरीब वर्ग के गौड़ लोग हैं जो विकास नहीं कर रहे हैं, अभी विकास के पथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अभी विकसित नहीं हैं। विकसित उसको बोलेंगे जो थोड़ा थोड़ा हमने इवेंट कर लिया है, डॉक्टर वैज्ञानिक जज जैसे हमारे लोग बहुत अच्छे से बन रहे हैं, अभी बनने वाले हैं, है ना। नौकरी का मतलब ऐसा नहीं है, तुम 12वीं या ग्रेजुएशन भी कर लिए हो तो तुम दूसरे वर्क करो। तुम लड़के लोग अपना पार्लर कैसे चलाएं, मिल्क पार्लर चलाएं, बालों को काटें, जूतों को साफ करें, क्यों नहीं कर सकते? काम धंधा है, प्रेस लगाने का काम करें, कौन ने रोका है तुमको? जब करने नहीं, जब शर्म आ रही है तो फिर वो चीज़ें नहीं है। देखो, पढ़ा लिखा भी इंसान कर सकता है, कोई व्यवसाय की स्वतंत्रता है कि नहीं? निर्णय मैं अभी गोंडवाना पे जा रही हूँ, अभी स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट में हमारा काम मेन है पढ़ाई। अब देखो भैया, इन लोगों ने यूनियन बना है तो हमको इनसे क्या मिल रहा है जो हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। मैंने बोली ना, जब मुझे जज बनना था, जब ये बनना था तो मैं तुम्हारे समय में तो पढ़ रही थी, और मैं 2-4 वर्ग दहशत में बिस्तर से नीचे गिर जाती थी। अब इतनी दहशत है कि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगी क्या? तो मैं बनी कि नहीं, 24 साल में बन गई मैं अपने अधिकारी जो भी बनना था। तो ये जुनून है कि नहीं तुम्हारे में, ये देखना है। तुम छात्र किस लेवल के हो? मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे पापा भी गवर्नमेंट टीचर थे, मैं मुझे भी खेती बाड़ी, धान काटना, गोबर थापना, क्या नहीं आती है, हर चीज़ आता है। आज अपने लेवल पे इस लेवल पे पहुँची हूँ। मेरे माँ में इतना सही है कि मुझे जुनून था, आप में जुनून की कमी है। मतलब आज कि विस्फोट बनो, मुझे बस उसे माचिस छाड़ के लगाना है, बस इतना सा बनो फूटने के लिए तैयार, तब मैं मानूँ कि तुम्हारे रगों में सेवा। सेवा का बहुत बड़ा अर्थ है, कौन की सेवा? तुम्हारी खुद की सेवा कि दूसरों की सेवा? दूसरों की नहीं, पहले खुद की कर लो, खुद की, अपने माँ बाप के नाम का सबका रोशन करो सबसे पहले। सेवा का बहुत बड़ा अर्थ है, वो करना सीखिए। ठीक है, अब देखो, पढ़ाई में आप निम्न स्तर के हैं, मध्य स्तर के हैं या उच्च स्तर के हैं? निम्न स्तर के, 10वीं से बाद पढ़ना ही छोड़ दिया क्या? खाली 10 तक करना आता है क्या? मध्यम वर्ग का कि 12वीं के बाद छोड़ दे रहे हो कि खेती कर रहे हो, तो कोई नई टेक्निक ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लोग जा रहे हैं क्या विदेश, खेती में भी जा रहे हैं विदेश लोग, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, उनको थोड़ी सी अंग्रेजी आ जा रही है, कीटनाशक के नाम जान रहे हैं, सब चीज़ जान रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई है तुम्हारी? मतलब पढ़ के खाली डब्बा को दस्तक करना आ रहा है या किस टाइप का? मतलब देखो, छात्र है इसलिए मैं छात्र पर फोकस कर रही हूँ, है ना भैया, है ना। या उच्च स्तर के हैं कि तुम्हारे पापा लोग तुमको आईआईटी आईआईएम पढ़ा रहे हैं, इंदौर और रायपुर और बड़े बड़े जगह में तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई है? तो हमारा अभी निम्न स्तर की पढ़ाई है। अगर हम पूरे देश भर के में देखें तो यहाँ पर हम जितना बड़ा यूनियन बनाने की कल्पना करते हैं, कितनी संख्या बताए थे आपके जो सुपराम साहब ने, उन्होंने कितना बताए थे हमारी संख्या कितनी है जो हम दुनिया को पलट सकते हैं? कितनी संख्या बताई थी आप लोगों को? चाकड़े आकड़े बताए थे क्या? जहाँ तुम सोचना खत्म कर रहे हो, सोच भी नहीं रहा हो। आरएसएस वाले लोगों के पास मास्टरमाइंड लोग हैं, चाकू घुमाओ जाओ, उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है उनकी आर्थिक पूंजी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कौन लाएगा ये चीज? इतने पैसे कौन कुक्कुट पालन कर रहा है, कौन भैंसों का पालन कर रहा है, कौन मछली पालन कर रहा है, कौन अपने खेत का यूज़ कर रहा है, कौन फूलों की खेती कर रहा है, कौन अगरबत्ती कर रहा है, कौन लड़के वहाँ पर अचार पापड़ का काम कर रही, क्या कर रहे हो तुम लोग अभी? इस स्तर पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम जब बड़े हो जाओगे, शादी ब्याह हो
जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, तुमको पहले कमाओगे, बच्चा बोलेगा भूखे मारोगे उसको क्या? तो हमको दो माह खुला रखना है। मैं अपना काम धंधा छोड़ के आई हूँ, मुझे शौक है इसमें, मैं चाहती हूँ कि इन लोग ऊँचे उठे। और सुप्रम साहब से और मरकाम साहब से पूछना, मैं अपने स्तर के बहुत अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, और जो चीज़ें कर रही हूँ वो अच्छा लगे तो तुम बताना, है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, निम्न स्तर की पढ़ाई में है, अभी मध्यम में जाना हमको जरूरी है, उच्च स्तर की तो बात ही छोड़ दो। नौकरी लगना है, अगर पुलिस की नौकरी अगर 20,000 कमाना ही है तो लाना कैसे नौकरी पे? करो पढ़ाई अच्छी, लेकिन अच्छी तगड़ी करके व्यवसाय करो ना यार, व्यवसाय करो ना, काहे 20 साल पुलिस उसकी नौकरी कर रहे हैं, मेरा ऐसा कहना है ना। अपने आप को क्रिएटिव भी बनाओ, थोड़ा सा अच्छा बनाओ। चलो अब हम उद्देश्य में जाते हैं, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक ऐसे स्तर है हमारे कुछ ना, इसका भी मेन उद्देश्य है। राजनीति में जाना होगा बाद में, वोट बैंकिंग होगी, सामाजिक होगा, कोई अपने को मानते होगे, संस्कृति को ऊंचा उठाते होगे, कुछ तो उद्देश्य होगा तुम्हारे उद्देश्य का, तुमको बताएं इसमें उद्देश्य क्या है, ऐसे कुछ है राजनीति आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे कुछ उद्देश्य है ना इन्हीं को बढ़ावा देना। आज से गेटअप में आई हूँ मैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रही कि नहीं दे रही हूँ? तो कुछ बोलते क्यों नहीं तुम लोग, बोलो ना, तो जो भी बोलो वहाँ से भन भन आवाज से कह गया है। यूनियन में सबसे पहले आर्थिक मजबूती लाई जाए, सबसे पहले, क्योंकि एक वो टुच्चा नेता है एक तो कोई भी पांचवी पास, उसके सामने तुम्हारा IAS भी उसके सामने सैल्यूट मारता है, मतलब पढ़ाई का वहाँ तो कोई मतलब नहीं, उसके पास क्या है, पैसा है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम आर्थिक मजबूत बने ना, हर कोई वर्क करे ना, अपने घर में 2 पैसा 4 पैसा ज़्यादा लाए ना, है ना। अब विदेशों में तो 15 साल के बाद लड़के लोग काम करना शुरू करते हैं, तुम 20-22 में क्या कर रहे हो अपने आप में, आज यहाँ से सीख के जाओ, कल से दूसरी चीज़ें करो। और मैं एक चैरिटी का नाम बताऊंगी जो मैं शुरुआत करी हूँ, ऐसा आप गाँव में भी कर सकते हो। खाली तुम्हारा 50-50 रुपये, तुमको 20 रुपये का 20,000-30,000 का लोन दे सकते हैं गाँव वाले, मेरी टेक्निक से जो अच्छा हो सकता है। चलो अब देश में आते हैं, देश में फिर हम ये चाहते हैं सामाजिक हमारी सहभागिता हो, जो हमारा आदमी चुन चुन के वहाँ पर जाए और हम अपने अधिकारों को वहाँ तक ले जाएं, और जो हम चाहते हैं हमको हमारे नेता और हमारे सब लोग दें, ऐसे ही उद्देश्य है ना इसका सामाजिक का। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, मैं नीचे आती हूँ। अब ये जाति हम गरीब हैं, हमारी संख्या कितनी है, इसके लिए हमको सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? 2021 सर्वेक्षण का है, हर 10 साल में सर्वेक्षण होते हैं जनसंख्या की। सबसे पहले हमको कोयापुनेम जयपाल दादा लोग, बड़ा बोलो दादा लोग क्यों बता रहे सका सगुम वाले? क्योंकि तुम तुलसी को तुलसा नहीं जानते कि तुम्हारे पुनेम में तुलसी को तुलसा बोलते हैं, जबकि तुलसी एक तुलसा वृक्ष पौधा है, वो बहुत हम लोगों ने पहचान किया, उसकी औषधि है, उसको दूसरे लोगों ने ला के पूजना शुरू करा, उस पर दुनिया भर के कर्मकांड करना शुरू कर दे। सबसे सर्वेक्षण करेंगे, गौड़ की पहचान होगी, तुमको एक एक चीज़ कोया पुनेम की आना चाहिए, बोल के पी लो उस चीज़ को, जो उसमें अलग अलग आया तुम फिर गौड़ नहीं मरोगे, तुमको उसके आरक्षण भी नहीं मिलने वाले, ना गौड़ भी नहीं कहलाओगे। तो सबसे पहले हमको संस्कृति को भी बहुत अच्छे से जानना है, तरीके से आधा खबरी बिल्कुल नहीं छलकना है जब तक उसको आत्मसात नहीं कर लो। अब जब सर्वेक्षण करेंगे ना, तो हमको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो संख्या तो पता चल जाएगी, जनसंख्या हमारी इतनी है ना, उसे पता चलेगा कि हमारे जो छात्र शब्द यूज है इसमें कितने छात्र हैं यार, ऐसे भी पता चल जाएगा। माना कि आप इसको करोड़ों में गिन लो, माना कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, हमारे 1000 सदस्य हैं, छोटा पॉइंट देती हूँ मैं, 1000 सदस्य हैं, और यहाँ पर आज 1000 सदस्यों में से माना कि 200 सदस्य मेरे बीच में आए हैं, मुझे सुन रहे हैं। अब हम तुम लोगों में एक क्वालिटी देख रहे हैं, नेतृत्व की भावना, मैं हर में देख रही हूँ नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना मतलब डेयरिंग से तुम आके यहाँ बोलो, अपनी बात करो। देखो तुम गलत भी रहोगे, अब तुम बहुत अच्छे से बोलोगे ना, तुम उस बात को गलत को सही बोल दोगे। मैं भी अभी गलत बोल रही होंगी कोई भी चीज़ें, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस में तुमको जीत डालूंगी यहाँ पर, चाहे जो हो जाए। वकीलों से क्यों लड़ती हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व ऐसा नहीं है। 17 लोगों को तुम वो ऐसा आप अपनी भावनाओं को बोलो, बताओ कि अपनी पर्सनालिटी ऐसी चीज़ें रखो, ग्रूम करके रखो, विकसित करके रखो कि लोग तुम्हारे तरफ स्वतः अट्रैक्ट हों, तो उसको बोलते हैं नेतृत्व करना। और हम दो लोग देख रहे हैं, एक सुनने वाला वर्ग भी रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नेतृत्व की भावना तुम 200 लोगों में से 20 लोगों को मैंने छाट लिया कि तुम्हें नेतृत्व की भावना है, बाकी लोग तो सुनने वाले हुए कि नहीं? तो हम दो वर्ग छाट रहे हैं, एक नेतृत्व करने वाला, एक उसको सुनने वाला, फॉलो करने वाला। माना कि इतना बड़ा मैंने लेक्चर दी, मैं 20 लोगों को छाट रही थी, इसमें से मुझे 10 लोग नेतृत्व करने वाले मिले, और बाकी लोग जमाई ले रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जो भी कर रहे हैं, इसमें से मुझे 100 लोग सुनने वाले मिले। तो ऐसा मिला के मुझे 106 लोग मिले, माना कि आज की डेट में। तो 106 लोगों के लिए मैं मध्य प्रदेश से उठ के यहाँ आई हूँ, और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पर ये कल्पना कर रही हूँ कि आप मेरे साथ हो एकता के लिए।
देखो अपने को इतना बड़ा कुछ खड़े मेरे कुछ फायदा होना चाहिए तो कोई मतलब का है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि 200 लोग आए तो 200 में एक बंदा भी नहीं छूटे मेरी चीज़ों को लेने के लिए। हर चीज़ खोल दो क्यों दिमाग नहीं आ रहा है काम ही खोल दो। हमारे माँ बाप ने आज जो नहीं किया है ना उन लोगों ने उनकी अज्ञानता, उन लोगों ने पढ़े लिखे नहीं, अपने अधिकारों को नहीं जाने इसलिए गवा दिया उन्होंने। हमको लाना है उन चीज़ों को, कैसे लाना है देखो। एक तो हमारे जैसे मार्गदर्शक रहेंगे, देखो बड़े जो अभी अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, इन लोग दिशा निर्देश देंगे। तो आप लोगों को दिशा निर्देश की ज़रूरत है, मैं आपको दिशा दूंगी और आप उसको फॉलो करेंगे, है कि नहीं है? वो दिशा मैं जरूर दूंगी और ये सही दिशा की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा है उच्च शिक्षा, हमको उच्च शिक्षा की ओर जाना है। अगर लेंगे तो मध्यम शिक्षा लेंगे और उच्च शिक्षा लेंगे। एक तो सही दिशा लेंगे, सही दिशा पहला नियम। हमेशा हमको भ्रांति नहीं करनी है, 10 बार सोचना ही कोई हमको बरगला तो नहीं रहा है, क्योंकि हम जन्मजात बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। हमारे माँ बाप को लोगों ने अंगूठा लगा कि लूटा है, ट्रैक्टर लिया है, भैया हम तो नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, है ना? तो हमको सही दिशा निर्देश, दूसरा उच्च शिक्षा चाहिए, ये पॉइंट है। मेन मकसद कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ऊपर सोचेंगे तो हम नीचे कम से कम मध्यम शिक्षा में आएंगे, ठीक है? तीसरा है व्यापार, हम व्यापार हर तरह के करेंगे। मेरे को कोई बूट पॉलिश करवा ले मैं करवा लूँगी। मैं जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मैं जूते की दुकान में काम करी हूँ और उन्होंने मुझे बोला इतवार को नहीं तुम शुक्रवार को आना। मैंने उसको बताया मेरी LLB LLM डिग्री है, तो उन्होंने बोला कि बुधवार और बुधवार को आना। सोचो उसको मेरे सामने डिग्री कितनी कम लग रही थी और मेरे को उसका काम कितना छोटा लग रहा था, क्योंकि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी। तो हमको व्यापार और व्यवसाय करना है और कोई भी क्या कहते हैं उसमें शर्म नहीं करनी है। और इसके लिए हमको गाइड प्रॉपरली चाहिए, वो मैं तो बताऊँगी तुम लोगों को कि कैसे करना है व्यापार। तो तीसरा है, चौथा है आर्थिक क्षमता बढ़ाने के हमेशा प्रयास करना है। भले ही कहीं से भी आए, 10 रुपये घर में आए लेकिन घर के 2 रुपये मत जाएँ, घर के 2 रुपये मत जाएँ, भले 10 रुपये घर में आए, हर दिन रोज का आप ये चीज़ें बना लो, आर्थिक क्षमता हमेशा बढ़ाओ। उसके लिए समाज ही तुम्हारा काम आएगा, दूसरे लोग काम नहीं आएंगे। और वो कैसे आएंगे वो मैं बताती हूँ अभी। तीसरा है, पांचवा है, रणनीति की बेहद कमी है। मैं यहाँ किसी को एक शब्द पूछ लो यहाँ पर कि तुम यहाँ क्या करो, जल्दी तुम्हारे दिमाग में काम नहीं आती, क्या करो, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मैडम ने मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा है। रणनीति, पहले दिमाग खुला रखो और उसके लिए है ज़्यादातर अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ो, अच्छे राइटर्सों को पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, सब चीज़ करो। कॉलेज में भी जा रहे हैं तो अच्छे लोगों से संगत करो। रणनीति अंदर से आती है, खुद की अपने आप से आती है, कैसी मेजॉरिटी में उठे बैठे रखते हैं उससे आती है रणनीति। उसकी भारी कमी है फाले और कोयटार संध्या धुरवे। समय हो गया, बस एक मिनट मैडम है, 8:08 है, बस ये 7वां हो गया है। कोयटार संध्या धुरवे करके मेरा एक फेसबुक आईडी है, कोई सर्च कर उसमें जाता है, मेरा है क्या कोई फेसबुक फ्रेंड? सौम्य उइके पे है क्या? सौम्य उइके कुछ नहीं, आप मुझे जानते नहीं तो क्या आप मुझे सुन रहे होगे, मेरे को तो यही लग रहा है। हाँ, फेसबुक में सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है 1.5 से 2.5 लाख लोग अपने लोग वहाँ फेसबुक में बनाए। मेरे को बोलते हैं हाय ब्यूटीफुल, मुझे लिख के भेजता है छोटा सा बंदा, ब्यूटीफुल करके क्या कर लेगा रे मुझको, तो खाली की गोरी चमड़ी है इसलिए, मतलब तेरी सोच को देख। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, रणनीति अच्छी बनानी है। फॉलोअर्स देखिए कौन को फॉलो करना है तुमको, शिवखेड़ा को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों करेंगे हम शिवखेड़ा को, संध्या उइके को और समर सिंह वर्मा को क्यों नहीं कर सकते, हाँ सुप्रम कोर्ट को क्यों नहीं कर सकते, है ना? त्वरित निर्णय, तत्काल निर्णय लो, कोई भी चीज़ की करना है नहीं करना है बस, हाँ नहीं सर मैडम ऐसा करोगे। आप कह रहे कि मैडम अभी की मैं अकेली हूँ, आप पढ़ाई नहीं करते, अरे गए जमाने, किसी सदी की लड़कियाँ हैं। माँ बाप को बोलो तुमको कुछ करना है। मेरे पिताजी, मैं प्रोफेसर थोड़ा उदाहरण देते पर पूर्ण स्कूल है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2000 में, अब मैं LLB करके आई थी। मेरी मम्मा बोलती है 5 लाख रुपये रखे हैं, चलो तेरी शादी करेंगे, मैं 22 साल की थी। मैंने बोला ये पैसे लेके जा रही हूँ, मरूंगी तभी आऊँगी वापस, और मैं इंदौर आ गई वापस, है ना? फिर उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर भी हुआ, मेरा पूरा टखना टूट गया, ये जो घुटना है ना ये टूट गया, उसमें गिर गया मैं बुरी तरह से। और पर उसमें मेरा हार नहीं मानी मैं, एक वक्त था मेरे पास मेरे अकाउंट में 10 रुपये थे, मैं सोचने रही थी कि मैं कल क्या करूँ, फिर भी मैंने जब ऐसे हार नहीं मानी। तो हार हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, जब आई तो मेरी माँ गर्व से सबको बताई कि मेरी बेटी है, इतना बड़ा रिस्क लेके गई थी। रिस्क जब तक रिस्क नहीं लोगे कौन तुमको पूछेगा? तुम ऐसा बोलो ना मैडम हम कुछ करेंगे, हम अभी इसी वक्त करेंगे, तुम मेरे पास आओ, मेरे विस्तार का जो होता है मैं तुमको करके दिखाऊंगी। तुम्हारा आर्थिक पूंजी कैसे बढ़ाते हैं, दूसरे लोग कैसे क्या करते हैं, बोरा लोग कैसे समाज में, बोरा लोग साथ में खाना खाते हैं पता है कि नहीं, बोरा लोग एक साथ खाना खाते हैं तो उनका रात का खाना बच जाता है, मिल बैठ के 2-4 परिचर्चा बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, उनके सैयद जो है ना सैयद हाँ, उन लोगों के पास इतना पैसा रहता है। कारण क्या है, उन लोग पूरा बिजनेस ट्रिक्स है उनके पास, सारा बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी नहीं करता सैयद, एक दो लोग नौकरी करते हैं बस,
ये चीजें, वो चीजें अपने अंदर सबसे डेवलप करनी है, है ना। देखो ये तो छोटा छोटा पेपर सातवा है, किसी एक विषय पर इतना सोचते हो, ठीक है ना। चुनाव खत्म हो गया, गोंडवाना नहीं जीते, कोई बात नहीं है। संस्कृति ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम गोंडवाना बड़ा जगह हो गया, ठीक है। बाकी टाइम पढ़ाई भी तो करना है तुम लोगों को, छोड़ो ना फेसबुक थोड़ी देर के लिए अकेला करके, एकांत करके थोड़ा अच्छे परसेंटेज के लिए बात कर लो। कोई भी चीज़ पर ज़्यादा उसको अंदर तक मनन मत करो। आठवा है महिलाओं की सहभागिता, इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या ये शादी करेंगी बाद में लड़कों से और बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ करेंगी, क्या कौन सी नौकरी करेंगी? इनकी परसेंटेज, इनकी इनकी क्षमता, इनकी पढ़ाई, इनकी सब चीज़ें आज के डेट में, क्योंकि आधुनिक समय आ गया है, यहाँ सब लोगों से तुमको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। आरक्षण खत्म होने वाला है बेटा जल्दी से, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो। मैं पुरुषों से कंधा मिला के देखना चाहती हूँ लड़कियों को, सर में झिझक लाज है, ये सब हिंदुओं का है, हमारे में नहीं। हम मातृशक्तियाँ थी, मातृशक्तियाँ थी। पुराने आप ट्राइब्स लोगों को देखोगे तो पूरी नग्न रहती थी वो, और उन चीज़ों में वो चीज़ें रहते, उनकी शक्तियाँ और उनके पावर्स रहते, सारे बच्चों की देखरेख और कितनी अच्छे से उन लोग ये चीज़ें करती थी, उसमें वो चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए जो भी है अपनी क्वालिटी को समझ के आप अपनी सहभागिता समाज में जरूर दें, अलग से लड़कों से ज़्यादा दें भले, मैं तो कह रही हूँ, है ना। मेरे तीन ट्रिक्स हैं, अब ये पूरा मेरा खत्म हो गया। सही दिशा निर्देश देना है सब लोगों को, उच्च शिक्षा है, व्यापार अन्य काम करना है, आर्थिक क्षमता बढ़ाना है, रणनीति की बहुत कमी है, जल्दी से जल्दी लाना है, फॉलोअर्स जो आपको लगता है जिसे हम कुछ सीख सकते हैं फॉलो करना सीख जाइए, जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए, वक्त के साथ जल्दी बदलने की कोशिश करिए, कोई भी विषय पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, कोई अपने को भी अपनाइए, महिलाओं की सहभागिता जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। एक स्टूडेंट हमेशा तीन लोगों को खड़ा करिए अपने साथ, आज 200 हैं तो 200 लोग हमेशा 1000 लोग तो खड़ा कर लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। मेरे को लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना। संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर आप हमेशा काम करिए तो बेहतर होगा। बोलने के लिए बहुत सारा है वक्त, पर मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप मुझसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जैसा तो यूज़ करती, सेवा 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 जो है, धन्यवाद। यहाँ पे मैम ने जो अपने विचार रखे, कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही है और हमें एकता में रहने के लिए बात बताई है। और मैम ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो हमें बताया, एक्सपीरियंस बताया, उसके लिए धन्यवाद। और जो एक छोटी सी मेडिटेशन एक्टिविटी करवाई, बहुत ही प्रभावी एक्टिविटी है और हमें इसको रोज करना चाहिए, इससे हमारा एकाग्रता क्षमता बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो इसके लिए धन्यवाद मैम।